अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। शाहिन शाह आज फ्रूट चाट बना रहे हैं अपन, जिसके लिए हमें सिर्फ दो एप्पल चाहिए, एक जो सो जाम चाहिए और तीन या चार आप जो सो मोज ले लीजिए बनाना। और टॉपिंग के ऊपर हमें पोमोग्रेनेट अनार के दाने हैं जो हमने भीगने रख दिए हैं, ये चाहिए हमारे को। ये चार चीज़ों से फ्रूट चाट बना रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आएंगे, ठीक है गाइस। हमने जो आपको फ्रूट्स बताए थे उस को हमने चॉपिंग कर लिए, देखिए इस तरह से चॉपिंग कर लिए, निकालिए एकदम टुकड़े को सॉफ्ट एंड छोटे छोटे स्मॉल टुकड़ों में कर लिए निकाले। उसके बाद अपने एक इंग्रेडिएंट आती है हमारी, इसके अंदर हम जो है काली मिर्ची पाउडर मिलाएंगे। बस काली मिर्ची पाउडर जैसे टॉपिंग पे डालते ना थोड़ी बहुत, उस तरह से काली मिर्ची पाउडर इसमें डालना है हमें। और उसके बाद हर घर में टैंक रहता तो आप एक चम्मच भर के फिर बड़े चम्मच से लीजिए टैंक। ऑरेंज भी ले सकते हैं आप और जैसे मैंगो ले सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपके पास है वो जैसे एक चम्मच अच्छा बड़े चाय के चम्मच से डाल लीजिए आप। और सेम उसी तरह उसमें हमें जो सो चार चम्मच शक्कर मिलाना है, छोटे टीस्पून से टीस्पून ना बस, उससे बढ़ के चार चम्मच शक्कर मिलाना है। उसके बाद हमें जो सो चाट मसाला जो एवरेस्ट का है वो आपको एक आधा चम्मच चाट मसाला लेना है, देखिए उसमें थोड़ा सा मिला देना। उसके बाद इसको फ्रूट्स को इस तरह से मिक्स कर देने का, देखिए आप इस तरह से। सिर्फ हमने क्या बनाना है गाइस, थोड़े से चीज़ों में देखिए आप इतना अच्छा फ्रूट चाट बनकर रेडी होता है और बहुत टेस्टी है ये। आप घर पर ज़रूर ट्राई करिए इसको, जो हम लोग दो सेब एक जाम और तीन या चार माउस लेके उसको अच्छे से चॉप कर लिए है, चॉप कर लेके उसको छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए पहले के देखिए। उसके बाद उसके अंदर हम जो सो काली मिर्ची टैंग शक्कर और फ्रूट चाट मसाला ना के इसमें देखिए इस तरह से थोड़ा सा चॉप कर लीजिए, देखिए इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से चॉप मार करिए, देखिए गाइस इस तरह से हमने पूरे फ्रूट्स मिला के इसके अंदर टैंग काली मिर्ची चाट मसाला और शक्कर डालने पर देखिए इस तरह से उसमें ग्रेवी आ रही है। अब उसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ताकि थोड़ा सा ये लाइट हो, थोड़ा सा बस एक कप के तक पानी मिलाना है हमें, उसी तरह मिक्स कर देने का। बस एक छोटी कप टी कप है ना, छोटी कप के हिसाब से पानी मिलाना ताकि हमारा फ्रूट चाट एकदम टाइट नहीं रहे, इस तरह से लूज रहे और देखिए इस तरह से हमारे को रहना चाहिए। देखिए गाइस हमारे ये पर्सनल डिश थी और मेरी डिश में ये काली फ्रूट चाट। अब देखिए टॉपिंग पे हमने जो अनार के दाने लिए थे वो अनार के दाने हम इस तरह से टॉपिंग पे डाल के इसे हम फ्रीज में रख देंगे 10 मिनट्स या के लिए 15 मिनट्स से बढ़ के मत डालिए। और मेरे पास थोड़े से ग्रेव्स भी थे तो मैंने ग्रेव्स भी टॉपिंग पे डालने के लिए रख डाली। देखिए हमारा यम्मी टेस्टी फ्रूट चाट रेडी है, आप भी ट्राई करिए। इसे 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद आप निकाल लीजिए। दो तीन चीज़ों में ही देखिए इतना अच्छा फ्रूट चाट बन गया है। एक नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी मैं, दुआ की खास गुजारिश, खुदा हाफिज़।